लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोल मैन ने अपने एक पावरफुल अटैक लुशियन के ऊपर कर दिया था, जिसे डॉच करने के लिए लुशियन अब अपने सीक्रेट टेंपल को अपेयर करता है। तब इस टेक्निक को देखकर ये ओल्ड मैन थोड़े शॉक होते हुए कहते हैं कि ये तो, और अभी अटैक सीधे जाके लुशियन के टेम्पल से टकराता है, जिसकी वजह से अब लुशियन के टेम्पल में एक बहुत ही जोरदार एनर्जी रिलीज होने लगती है। तब लुशियन अपने रेस को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मान सकता, और अब लुशियन कितना कहते ये टेम्पल इन सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर नाइन यूजी और ये ओल्ड मैन दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब लुशियन के रेस के बढ़ने कारण अचानक से उसके बॉडी में कुछ होने लगता है, और देखते ही देखते लुशियन का ये सीक्रेट टेम्पल डिस्ट्रॉय होके हेवनली लोटस और इस टेम्पल के अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब इस पावर को देखते हुए ये ओल्ड मैन कहते हैं कि ये तो ही एंशिएंट टावर है, इसका मतलब ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, मैं साफ देख सकता हूँ कि इस लड़के के बॉडी में उस एंशिएंट क्लैन का ब्लड है, मगर आखिर ये कैसे पॉसिबल है, और इससे भी बड़ा सवाल आखिर इस लड़के का पेरेंट्स कौन है। जिस पर नाइन यूजी अब चिल्लाते हुए कह दी कि ओल्ड मैन लुशियन ने तुम्हारे पहले अटैक को डॉच कर लिया, इसलिए अब उसे अकेला छोड़ दो। तब ये ओल्ड मैन हंसते हुए कह दे कि चलो इस खेल को यहीं पे खत्म करते हैं, और ये कहकर ये ओल्ड मैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लुशियन के स्टेम्पल और सेवनली लोटस फॉर्मेशन को डिसअपीयर कर देते हैं। तब ऐसा होते ही लुशियन अब बहुत ही इंजर्ड होकर पानी में गिरने लगता है, जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों को कुछ रिवॉर्ड दूंगा, तो ये रहा मेरी ओर से तुम्हारा स्पेशल रिवॉर्ड, और ये कहकर ये ओल्ड मैन लुशियन की बॉडी में इस पावर को डाल देते हैं। तब ये सब देखे नाइन यूजी कहते हैं कि ओल्ड बास्टर्ड आखिर तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर ये ओल्ड मैन हंसते हुए कहते हैं कि प्यारी बर्ड आखिर तुम इतनी ज्यादा पैनिक क्यों हो रही हो, मैं तो अब कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये लड़का मरे। तब नाइन यूजी कहते हैं कि क्या किया तुमने उसके साथ, जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये मेरे एक अटैक को डॉच कर लेता है तो मैं कुछ रिवॉर्ड दूंगा, तो बस मैंने उसे अपनी ओर से एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया है। और फिर ये ओल्ड मैन कहता है कि रुको रुको मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। तब नाइन यूजी कहते हैं कि ओल्ड मैन सोच लो अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर मेरे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जिस पर ये ओल्ड मैन फिर से किसी पावर को अपेयर करते हुए कहते हैं कि छोटी बच्ची तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, और इतना कहते कहते इस ओल्ड मैन के हाथ में गोल्डन पंखा जाता है, जिसे सीधे नाइन यूजी के बॉडी में डाल देते हैं। तब नाइन यूजी अब बहुत ही पैनिक होते हुए कहते कि आखिर ये था क्या, जिस पर ये ओल्ड मैन कहते हैं कि प्यारी चिड़िया तुम्हारे क्लैन के कुछ ओल्ड मॉन्स्टर मेरे फ्रेंड है, और इसे तुम मेरी ओर एक छोटा सा गिफ्ट समझो, जिसके बाद ये ओल्ड मैन यहाँ से डिसअपीयर होते हुए कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो, इतना ही नहीं तुम यहाँ के ट्रेजर्स को भी कलेक्ट कर सकती हो। तब नाइन यूजी पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, और अब तभी नाइन यूजी को लुशियन का ख्याल आता है जो बेहोश होकर बस पानी में डूबता जा रहा था। तब नाइन यूजी अब सीधे छलांग मारते हुए कहते हैं कि लुशियन मैं आ रही हूँ, जिस पर तभी ओल्ड मैन नाइन यूजी से कहते हैं कि बच्ची अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो फिर अभी उसे टच करने की कोशिश भी मत करना, मैंने जो उसे दिया है उस चीज को अपना काम अच्छे से करने दो। तब नाइन यूजी बहुत ही चिढ़ते हुए कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हें भरोसा क्यों करूं, जिस पर ये ओल्ड मैन कहते हैं कि बच्ची अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो क्या तुम अभी तक जिंदा होती। तब नाइन यूजी कहते हैं कि हाँ ये बात तो है, और फिर नाइन यूजी पूछती है कि ओल्ड मैन तुमने जो मुझे गोल्डन फेदर दिया है उसका मैं क्या करूं, जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि समय आने पर तुम्हें अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। तब नाइन यूजी ओके कहते हुए अब किनारे की ओर चली जाती है, और अभी धर्म लुशियन को देखते जो अभी भी बेहोश था। तब अपने आप ही यहाँ भी कुछ होता है, और अचानक से लुशियन की मदर अपेयर होती है जो लुशियन के फेस को टच करते हुए कहते हैं कि बेटा उठ जाओ देखो कितनी देर हो चुकी है। तब लुशियन की आँख खुलते ही सब कुछ अपने आप ही डिसअपेयर हो जाता है, जिस पर लुशियन अब बहुत ही शॉक होती है उठता है और फिर अपने फेस को टच करते हुए कहता है कि क्या ये बस एक सपना था, मुझे लगा कि जैसे माँ ने मेरे फेस को टच किया हो। और अब तभी लुशियन को अपने सामने एक स्क्रोल दिखता है जो कि एंशिएंट थॉर बॉडी टेक्निक थे। तब इस टेक्निक को देखकर लुशियन बहुत ही शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये मुझे उस ओल्ड मैन ने दिया, और फिर लुशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर इस अमेजिंग टेक्निक के लिए, जिसके बाद अब लुशियन इस टेक्निक को देखते हुए इसे समझने की कोशिश करने लगता है, और समझते हुए कहता है कि अगर मैंने इस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर लिया तो फिर मेरी स्पीड बिल्कुल लाइटनिंग के बराबर हो जाएगी, इसके अलावा चाहे कितना ही पावरफुल थंडर मेरे ऊपर क्यों ना गिर जाए लेकिन इससे मेरे बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी गॉड थोर की कुछ शक्तियां मुझे मिल जाएंगे। जिस पर अब लुशियन अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि उस सेट में तो भूल ही गया था कि मैं पानी में हूँ, और फिर लुशियन अब उस स्क्रोल के हिसाब से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तब इस रिवर में थंडर लुशियन इस कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, और देखते ही देखते इस रिवर में चारों तरफ बस थंडर ही दौड़ने लगती है। तब इस नज़ारे को एक माउंटेन में बैठ के ये ओल्ड मैन भी देख रहे होते हैं, और देखते हुए कहते हैं कि चलो मैंने वो स्क्रोल बिल्कुल सही हाथ में दिया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बच्चे के एंशिएंट क्लैन के साथ क्या संबंध है, लगता है मुझे इस लड़के के बारे में पता लगाना होगा। और ये कहकर ये ओल्ड मैन यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुशियन अब थंडर टावर से बाहर आ चुका था। तब लुशियन को देखते ही सीनियर जाओ कहते हैं कि लुशियन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, जिस पर लुशियन पूछता है कि क्यों। तब एक डिसाइपल अब चिल्लाते हुए कहता है कि देखो लुशियन बाहर आ गया, जिस पर अब इतना सुनते एक बहुत ही बड़ी भीड़ लुशियन की ओर भागते हुए आती है,
तब ये देखे लूशियन पूछता है कि सीनियर जावा के लिए सब हो क्या रहा है, जिस पर अब बहुत सारे डिसेबल लूशियन के पास आते हुए पूछते हैं कि आपने पहली बार में 8 फ्लोर को कल्टिवेट कर लिया, आपको कैसा लग रहा है। तब दूसरे डिसेबल कहते हैं कि इस प्लेस से थंडर लिस्ट में सीनियर चेंग फेंग और सीनियर लीतोंग के बाद थर्ड नंबर में आप आ चुके हैं। इसका मतलब सीनियर चेंग फेंग और सीनियर लीतोंग से क्या आपका कोई रिलेशन है, जिस पर लूशियन अब इतने सारे सवाल सुन के बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। तब सीनियर जाओ कहते हैं कि चुपचाप निकल लो वरना इन लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे, जिस पर लूशियन अब इतने भीड़ को देखते हुए कहता है कि आखिर मैं इन्हें कैसे हटाऊं। और फिर लूशियन कहता है कि ऊपर देखो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड सावशन। तब सारे डिसेबल तुरंत ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हमारे रिलम में, जिस पर ये लड़का बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि अम्मा बस एक बार उनके दर्शन हो जाए कसम से छाती पे उनका ऑटोग्राफ लूंगा। और फिर ये लोग अब आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं कि लगता है फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड जल्दी में निकल गए। तब एक लड़का लूशियन की ओर देखते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को छोड़ देखो लूशियन भी निकल गया, जिसे देखकर अब सीनियर जाओ भी बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का कब निकला मुझे तो पता ही नहीं चला। तब इधर हम देखते हैं कि लूशियन अब बिल्कुल लाइट की स्पीड से मूव कर रहा था, यानी थॉर बॉडी टेक्निक को कल्टिवेट करने की वजह से अब लूशियन के पास लाइटनिंग स्पीड की भी पावर आ चुकी थी। और अब लूशियन फिर से ट्रेजर विभाग में आता है, जहां पे एंटर करते हुए लूशियन एक एक्सचेंज कॉर्नर में जाता है। तब ये लेडी पूछते हैं कि आखिर आप क्या एक्सचेंज करना चाहेंगे, जिस पर लूशियन कहता है कि मेरे पास थंडर टावर के ट्रेजर्स हैं। तब ये लेडी पूछते हैं कि वेल तुम्हारे पास कितने पीसेस हैं, जिस पर लूशियन कहता है कि करीब 30,000। तब ये सुनिए लेडी बहुत ही शौक होती हुई कहती है कि क्या 30,000 पीसेस, कहीं तुम उसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे। तब लूशियन सैंपल दिखाते हुए कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। और अभी शोर शराबे को सुन के यहाँ पे एक और एल्डर आ जाते हैं। तब ये लेडी से एल्डर को सारी बातें बताती है, जिस पर ये एल्डर अब लूशियन से कहता है कि अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। जिस पर अब कुछ देर बीतने के बाद ये एल्डर कहता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ काउंट कर लिया है, जैसा कि तुमने कहा था इसमें सचमुच में 30,000 पीसेस मौजूद हैं और इनकी टोटल वैल्यू 2.6 मिलियन पॉइंट्स हो रही है। और ये कहकर ये एल्डर लूशियन को सरप्राइज पे कर देता है। तब लूशियन कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर, मुझे आपसे बिजनेस करके अच्छा लगा, लेकिन अब मैं पॉइंट्स के बदले किसी चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, जिस पर ये एल्डर कहता है कि बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। तब लूशियन कहता है कि मुझे हेवनली बीस्टों का फ्यूजन ब्लड चाहिए, जिसे सुन के ये एल्डर कहता है कि लेकिन उसकी प्राइस तो 7 मिलियन है। तब लूशियन कहता है कि नो प्रॉब्लम मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।